हाय फ्रेंड्स, आई एम बलराम गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जयपुर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू द हब ऑफ नव भारतीय स्टडी सर्किल यूट्यूब चैनल विद ऑनलाइन क्लासेज। तो दोस्तों, आज मैं बीएड सेकंड ईयर कंपलसरी सब्जेक्ट ईपीसी थर्ड के भाग चार को लेकर उपस्थित हूं, जिसका पाठ्यक्रम न केवल बीएड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में संप्रेषण का सिद्धांत, संप्रेषण के प्रारूप, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण के क्षेत्र, संप्रेषण की आवश्यकता, संप्रेषण का महत्व, इन सब बिंदुओं पर चर्चा की, तो आज का जो हमारा बिंदु होगा, जो कि चल रहा था हमारा शिक्षक की भूमिका विषय, ईपीसी थर्ड प्रकरण शिक्षक की भूमिका। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक था शिक्षक की भूमिका, उसी को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत कर ली थी हमने पिछली क्लास में लेकिन पूरा नहीं करा पाए। तो जो शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि शिक्षण कार्य यानी संप्रेषण कार्य जब अच्छा होगा तो जो शिक्षण कार्य है भी कैसा होगा, प्रभावशाली होगा। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक हो जाता है शिक्षक का, यह आवश्यक हो जाता है कि उसको उन दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए जिनसे कि शिक्षण कार्य प्रभावशाली बन सके। तो शिक्षक के लिए पहली आवश्यकता बन जाती है कि शिक्षक को पूर्वाग्रह और तनावों से मुक्त होना चाहिए। कक्षा में जाने से पहले शिक्षक का यह आवश्यक है कि वो पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही संप्रेषण कार्य और शिक्षण कार्य प्रभावशाली ढंग से प्रेषित हो सकते हैं। छात्र की वास्तविक स्थिति की जानकारी, शिक्षक का यह दायित्व होता है, शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वो छात्र की आवश्यकता के अनुकूल पाठ्य सामग्री निश्चित करके अध्यापन कार्य करें। छात्र की मनोवैज्ञानिक स्थिति की जानकारी, शिक्षक का यह दायित्व होता है कि छात्र की मनोस्थिति को पहचान कर शिक्षण कार्य प्रारंभ करें। यह जानना आवश्यक है कि छात्र मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से पढ़ने के लिए समर्थ है या नहीं। विषय वस्तु का चयन, शिक्षक की को यह आवश्यक हो जाता है कि जब तक शिक्षक पाठ्यक्रम को सरल और सुबोध और बोधगम्य स्थिति में प्रेषित नहीं करेगा, तब तक शिक्षण कार्य प्रभावशाली और संप्रेषण कार्य भी प्रभावशाली नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक होता है कि शिक्षक को विभिन्न प्रविधियों का, विभिन्न सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य कराना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जो शिक्षण कार्य कराया जाएगा तो उसका जो संप्रेषण होगा वो अत्यंत ही प्रभावशाली होगा। आपको पता है एक शिक्षण बिना सहायक सामग्री के कराया जाए और एक सहायक सामग्री के द्वारा कराया जाए तो दोनों में अंतर आएगा। जो सहायक सामग्री के माध्यम से जो शिक्षण कार्य होगा वो प्रभावशाली होगा, और जब अध्ययन प्रभावशाली होगा तो संप्रेषण भी प्रभावशाली होगा। तो ऐसी स्थिति में जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाना, शिक्षण और भी प्रभावशाली बन जाता है, यानी कि नई नई तकनीकी को प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य करना, संप्रेषण कार्य करना एक शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है। जैसे
पूर्वा ग्रहों एवं तनाव से मुक्त। कहने का मतलब दोस्तों, शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले पूर्वाग्रहों एवं तनाव से मुक्त होना चाहिए। जब शिक्षक अध्यापन के लिए कक्षा में जाए तो उसे पूर्व नकारात्मक विचार धाराओं और तनाव से पूर्णतः मुक्त होकर प्रवेश करना चाहिए। कहने का मतलब, जब शिक्षक अध्यापन कार्य अध्यापन के लिए कक्षा में जाए तो उसे पूर्व नकारात्मक विचारधाराओं और तनाव से पूर्णतः मुक्त होकर प्रवेश करना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही शिक्षण कार्य कैसा होगा? प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट है, वास्तविक आवश्यकता वास्तविक आवश्यकता का चयन। दोस्तों, शिक्षक का यह आवश्यक हो जाता है कि उसे वास्तविक आवश्यकता का पता लगा लेना चाहिए, उसी के अनुसार शिक्षण कार्य करना चाहिए। शिक्षक को छात्र की वास्तविक पाठ्य वस्तु की जानकारी हासिल करके ही शिक्षक को छात्र की वास्तविक पाठ्य वस्तु की जानकारी हासिल करके ही शिक्षण कार्य पूर्ण करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि छात्र की आवश्यकता की जानकारी होनी चाहिए। छात्र को किस पाठ्यक्रम की आवश्यकता पहले है, यानी वास्तविकता क्या है उसकी। जैसे मान लो कल किसी विषय का एग्जाम होगा, सामाजिक विज्ञान का कल एग्जाम हो रहा है और आप छात्र को विज्ञान पढ़ा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उसकी वास्तविक आवश्यकता जान लेनी चाहिए। तो वास्तविक आवश्यकता के अनुसार जो शिक्षण कार्य होगा तो वो कैसा होगा? प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट है, छात्र की मनोस्थिति की जानकारी।
छात्र की मनो स्थिति का ज्ञान। यानी कि यह आवश्यक है कि जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश कर रहा है तो उससे पहले यह आवश्यक हो जाता है शिक्षक का कि छात्र की मनोस्थिति क्या है, क्या वास्तव में छात्र शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अध्ययन के लिए जागरूक या संवेदनशील है या नहीं है। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक तरीके से छात्र की मनोदशा की जानकारी करके ही अध्यापन कार्य पूर्ण करना चाहिए। यह जान लेना चाहिए कि छात्र अध्ययन के प्रति संवेदनशील है या नहीं है। देखिए दोस्तों, शिक्षक को मनोवैज्ञानिक तरीके से छात्र की मनोदशा की जानकारी करके ही अध्यापन कार्य पूर्ण कराना चाहिए। ये जान लेना चाहिए कि छात्र अध्ययन के प्रति संवेदनशील है या नहीं है। यानी कि जब तक छात्र अध्ययन के प्रति संवेदनशील नहीं होगा तब तक शिक्षण कार्य और संप्रेषण कार्य प्रभावशाली ढंग से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, पाठ्य वस्तु का चयन। दोस्तों, यह आवश्यक है कि जब तक कोई लेसन प्लान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक संप्रेषण अच्छा नहीं होगा। तो शिक्षक का यह कर्तव्य है कि शिक्षण कार्य कराने से पहले एक निश्चित पाठ्य योजना तैयार करें, निश्चित प्रविधियों का चयन करें, निश्चित पाठ्य सामग्री का चयन करें और उसके बाद ही शिक्षण कार्य करें। उससे जो संप्रेषण होगा वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग का होगा और जब संप्रेषण प्रभावशाली ढंग का होगा तो अध्यापन कार्य भी प्रभावशाली ढंग से होगा। शिक्षा को अध्यापन कार्य से पूर्व विभिन्न शिक्षण विधियां
विधियों एवं विभिन्न सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए भाषा सरल और सुस्पष्ट ढंग से शिक्षक को अध्यापन कार्य से पूर्व विभिन्न शिक्षण विधियों एवं विभिन्न सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए भाषा सरल और सुस्पष्ट ढंग से संप्रेषित करनी चाहिए। जिससे शिक्षण बोधगम्य बोधगम्य होकर प्रभावशाली हो सके। यानी कि दोस्तों, पाठ्य वस्तु का चयन, शिक्षक को यह आवश्यक हो जाता है कि पाठ्य वस्तु का चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक को अध्यापन कार्य से पूर्व विभिन्न शिक्षण विधियों एवं विभिन्न सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए भाषा सरल और सुस्पष्ट ढंग से संप्रेषित करनी चाहिए, जिससे शिक्षण बोधगम होकर प्रभावशाली हो सके। नेक्स्ट है, उचित शारीरिक भाषा का प्रयोग। दोस्तों, याद रहे कि शिक्षक को कक्षा में उचित शारीरिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उचित शारीरिक भाषा से यह तात्पर्य यह है कि शिक्षक अध्यापन कार्य कराते समय संकेतों का, हाव भावों का प्रयोग करे, लेकिन वो जो प्रयोग होंगे वो कैसे होंगे? उचित होंगे, समुचित होंगे। जैसे ध्यान सदैव केंद्रित नहीं होना चाहिए, विकेंद्रित स्थिति में होना चाहिए। कहने का मतलब, शिक्षक का ध्यान किसी एक छात्र पर ना होकर पूरी कक्षा पर ध्यान होना चाहिए। जैसे शिक्षक का कर्तव्य है कि शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए उचित
संकेत एवं हाव भाव का प्रयोग करें। शिक्षक का ध्यान किसी एक विद्यार्थी पर केंद्रित ना होकर कक्षा के सभी विद्यार्थियों पर शिक्षक का कर्तव्य है कि शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए उचित संकेत एवं हाव भाव का प्रयोग करें। शिक्षक का ध्यान किसी एक विद्यार्थी पर केंद्रित न होकर कक्षा के सभी विद्यार्थियों पर होना चाहिए। और जब ऐसी स्थिति में शिक्षण कार्य होगा दोस्तों, तो वो एक प्रभावशाली शिक्षण की श्रेणी में आएगा, एक अच्छे शिक्षण की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है मूल्यांकन की कार्य प्रणाली। मूल्यांकन की कार्य प्रणाली। दोस्तों, मूल्यांकन की जो कार्य प्रणाली होती है उसमें विभिन्न पहलुओं का ध्यान रखा जाता है, विभिन्न बातों का ध्यान रखा जाता है कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसमें यानी कि उचित उद्देश्य होने चाहिए और उद्देश्यों का जो निर्धारण है वो संबंधित विषय के अनुसार होना चाहिए और जो प्रदत्तों का एकत्रीकरण करना है, जो आंकड़े इकट्ठे करने हैं उसमें ये निश्चित करना चाहिए कि प्रारंभिक आंकड़े क्या थे, प्रारंभ में किसी छात्र की क्या अवस्था थी, किसी छात्र का शिक्षण के बाद और शिक्षण के पूर्व कितना परिवर्तन आया, किन कारणों से आया, इन सब का ध्यान मूल्यांकन में किया जाता है। एक ये भी निश्चित होता है दोस्तों कि जब मूल्यांकन प्रक्रिया की जाती है तो मूल्यांकन में यह निश्चित है कि जो मूल्यांकन में काम आने वाले उपकरण हैं उनकी विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधानिकता होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जो मूल्यांकन होगा वो अच्छा होगा। जैसे वर्तमान समय में OMRC से जो मूल्यांकन किया जाता है वो सर्वाधिक विश्वसनीय और वैध माना जाता है। तो जैसे मूल्यांकन की कार्य प्रणाली में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है यानी किन किन की वजह से मूल्यांकन किया जाता है, जैसे नंबर एक, प्रदत्तों का एकत्रीकरण। नंबर दो,
उपकरण का चयन, नंबर 3 प्रदत्तों का विश्लेषण, नंबर 4 शैक्षिक उद्देश्यों का चयन। यानी कि दोस्तों, मूल्यांकन जब कार्य प्रणाली होती है उसके अंतर्गत यह निश्चित होता है कि प्रदत्तों का एकत्रीकरण होना चाहिए, उपकरणों का चयन होना चाहिए, प्रदत्तों का विश्लेषण होना चाहिए और शैक्षिक उद्देश्यों का चयन होना चाहिए। यानी कि जो प्रदत्तों का एकत्रीकरण से तात्पर्य हमारा यह है, प्रदत्तों का मतलब होता है एक तरह से आंकड़े। जैसे किसी कक्षा का मूल्यांकन करना है तो सबसे पहले उसके आंकड़ों का एकत्रीकरण, यानी इसका मतलब होता है प्रदत्तों का एकत्रीकरण। जब कक्षा में छात्रों की पूर्व अवस्था, जब कक्षा में छात्रों की पूर्व अवस्था एवं वर्तमान अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं उनके समस्त आंकड़ों को सूचीबद्ध करना। कहने का मतलब दोस्तों, जो प्रदत्तों का एकत्रीकरण होता है उसका तात्पर्य यह है कि जब कक्षा में छात्रों की पूर्व अवस्था एवं वर्तमान अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं उनके समस्त आंकड़ों को सूचीबद्ध करना। कि यानी कि पूर्व अवस्था में, यानी शिक्षण से पूर्व छात्र की क्या स्थिति थी, शिक्षण के बाद छात्र की क्या स्थिति। नेक्स्ट है प्रदत्तों का विश्लेषण। दोस्तों, जो प्रदत्तों का विश्लेषण होता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रदत्तों का एकत्रीकरण है, जो सूचीबद्ध किया गया है, जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, उन आंकड़ों को यह विश्लेषण किया जाए, उन आंकड़ों का, कि जो आंकड़े इकट्ठे हुए हैं उनमें जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन आने के पीछे क्या कारण रही थी। मान लो कोई क्लास में कमजोर बच्चा है, यानी कि उनका यह रिजल्ट आता है कि एक फर्स्ट आता है क्लास में और एक सबसे कमजोर रहता है, तो यानी कमजोर बच्चे का पूरा पता लगाना कि आखिर कमजोर जो बच्चा है, जो फेल हुआ बच्चा है,
उसका यह पता लगाना कि आखिर उसके कारण क्या रहे, किन कारणों की वजह से वो अनुत्तीर्ण हुआ, और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे का पता लगाना कि वो जो विद्यार्थी है उसके पीछे क्या रीजन रहे जिनसे वो कक्षा में प्रथम स्थान आया। तो यानी कि छात्र की प्रगति का ब्यौरा, एक तरह से उस ब्यौरे का विश्लेषण करना, यानी कि जब ब्यौरे को इकट्ठा किया जाता है, आंकड़ों का इकट्ठा किया जाता है, जब तो वो क्या बन जाते हैं, प्रदत्तों का एकत्रीकरण। लेकिन जब प्रदत्तों के एकत्रीकरण को यदि हम सूचीबद्ध के बाद उन पर यदि विश्लेषण किया जाए और उनको विश्लेषित किया जाए तो वो क्या कहलाता है, प्रदत्तों का विश्लेषण कहलाता है, यानी कि छात्र की पूरी जानकारी उसमें हासिल की जाती है। यानी जब छात्र के प्राप्त आंकड़ों जब छात्र के प्राप्त आंकड़ों का वैधानिक तरीके से यह पता लगाया जाए कि छात्र की प्रगति या अवनति में किसका और कितना सहयोग मिला। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।